मालदीव को पटकने के लिए भारत ने बड़ा दाव चल दिया है। दरअसल घरेलू पर्यटन को मजबूती देने के लिए लक्षद्वीप सहित दूसरे द्वीप समूहों में पर्यटन अवसंरचना को बढ़ावा दिया जाएगा। इस खबर ने तहलका मचा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि पर्यटन केंद्रों के विकास में तेजी लाएंगे। पर्यटन सेक्टर में विकास तेजी से हो रहा है। राज्य को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जा रहा है। टीयर टू और टीयर थ्री शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। लक्षद्वीप में नई परियोजनाएं शुरू होंगी। पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि लक्षद्वीप में एक सीमित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की काफी संभावना है, जहां परिस्थिति की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाती है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इनमें से केवल 10 ही बसे हुए हैं। लक्षद्वीप में सबसे लोकप्रिय स्थान बंगाराम, कदमत, मिनीकॉय, कल्पेनी और कवारती है। कनेक्टिविटी के लिए द्वीप ज्यादातर कोची की उड़ानों पर निर्भर है। भले ही केंद्र ने लक्षद्वीप में एक हवाई अड्डे का वादा किया था, लक्षद्वीप में पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं। आने वाले समय में ये एक पर्यटन स्थल होगा, वहाँ एक हवाई अड्डा होना चाहिए और जरूरत पर सरकार ने जोर दिया। सरकार इस पर काम भी पूरा कर चुकी है। केरल से कनेक्टिविटी है, लेकिन हवाई कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। लिहाजा केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी ये कहा कि न्यूजीलैंड या स्विट्जरलैंड जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ लक्षद्वीप में होगा। लक्षद्वीप को विकसित करने के लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। मालदीव के लिए 60 शहरों से सीधी उड़ाने हैं। अभी मालदीव के लिए 60 शहरों से सीधी उड़ाने हैं। भारतीय एयरलाइंस की स्वयं मालदीव से जुड़ने वाली प्रति सप्ताह लगभग 58 उड़ाने हैं। इसी तरह भारत को पर्यटकों की आमद के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल और भारतीय शहरों से लक्षद्वीप तक सीधी उड़ानों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने की आवश्यकता होगी। यानी अगर लक्षद्वीप को मालदीव जैसा बनाना है तो विकास तेजी से करना होगा, जिसे पूरी करने की संभावना अब दिखाई पड़ रही है। भारत सरकार ने अपने इस बजट में बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह अंतरिम बजट लक्षद्वीप के लिए बड़ी घोषणा लेकर आया। लक्षद्वीप को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया और बड़े फैसले में ये तय किया गया कि लक्षद्वीप में तेजी से विकास होगा। तेजी से विकास के लिए अपार संभावनाओं को तलाशने और उन्हें स्थापित करने की जरूरत पर बल दिया गया। अब पर्यटन केंद्रों के विकास में तेजी लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये ऐलान मालदीव के लिए बड़ा झटका और लक्षद्वीप के लिए एक बहुत निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।